नमस्कार, मैं केजी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल भिवानी हलचल पर। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। मार्केट फीस हटाने की मांग को लेकर सब्जी मंडी के व्यापारियों ने की हड़ताल। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने पर भिवानी भाजपा ने पीएम मोदी का जताया आभार। लोकसभा चुनाव के लिए जसपा ने कसी कमर। विधायक घनश्याम सर्राफ ने नागरिकों को दिलाई विकसित भारत संकल्प यात्रा की शपथ। रोजगार दो न्याय दो अभियान के माध्यम से युवा कांग्रेस पहुंचेगी प्रत्येक युवा तक। तो शाम से अपहरण किए गए बच्चे का नहीं मिला सुराग, विरोध स्वरूप बाजार बंद। विस्तार से हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की ओर से सब्जी व फल व्यापारियों पर थोपी गई मार्केट फीस के विरोध में पूरे प्रदेश की मंडियों में हड़ताल रखी गई। हरियाणा आरती संगठन सब्जी मंडी के प्रदेश उप प्रधान पुरुषोत्तम बुद्धिराजा ने कहा कि प्रशासन मार्केट फीस से व्यापारियों और सरकार के बीच खाई बनाने का काम कर रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि सरकार ने थोपी गई मार्केट फीस वापस नहीं ली तो प्रदेश भर की मंडियों में अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। हरियाणा आढ़ती संगठन सब्जी मंडी के प्रदेश उप प्रधान पुरुषोत्तम बुद्धि राजा ने बताया कि भाजपा सरकार द्वारा कोरोना काल में फल व सब्जी व्यापारियों पर 2% ड्यूटी लगाई गई थी। उन्होंने कहा कि अब एक मुश्त प्लस 1% फीस व्यापारियों से मांगी जा रही है, जो कि पिछले वर्ष से करीबन 50% बढ़ाकर है, वो भी अग्रिम तौर पर मांगी जा रही है। उन्होंने बताया कि इसी के विरोध में बीते 20 दिसंबर को फल व सब्जी विक्रेताओं द्वारा रोष स्वरूप सांकेतिक हड़ताल की गई थी। उस समय प्रदेश के कृषि मंत्री ने आश्वासन दिया था कि मार्केट फीस हटा ली जाएगी, लेकिन आज तक वे अपना वायदा पूरा नहीं कर पाए हैं। हरियाणा आढ़ती संगठन का उप प्रधान, ये हमारी जो हड़ताल है सरकार द्वारा लाए गए काले कानून के विरोध में है। इस कानून के तहत सारे आढ़ती भाइयों को एक मुश्त फीस भरनी पड़ेगी 47% बढ़ाकर, जो इन्होंने सर्कुलर बनाया है। ये आढ़तियों को मारने का नहीं, ये किसानों को मारने का, पब्लिक को मारने का, ये सरकारी मंडियों का नाश करने का काम कर रही है सरकार। हम सरकार से चेतावनी देने के लिए 20 दिसंबर को हड़ताल, सांकेतिक हड़ताल की थी, लेकिन सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी, इसलिए अब हम अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। जबकि कोरोना काल से पहले हमारे ऊपर कोई टैक्स नहीं था, कोरोना में सरकार ने 2% टैक्स लगाया था, इसलिए कि भाई मार्केट के वालों को फीस देनी पड़ती है, मंडियों का रखरखाव करना पड़ता है। उसके बावजूद सरकार ने टैक्स हटाने की बजाय हमारे ऊपर घोषणा की थी कि ये टैक्स हटा लिया गया, उसके बाद जो है ग्राहक हमें टैक्स देता नहीं, सरकार को आढ़ती भाइयों का टैक्स भरना पड़ता है। इससे आपसी माशेखोरों में, आढ़ती भाइयों में एक गलत स्थिति पैदा हो गई है। ग्राहक कहता है किस बात का टैक्स दे, सरकार वो ने टैक्स हटा दिया, जबकि वो कृषि मंत्री जेपी दलाल का ट्विटर लिए घूमते हैं चंद आदमी मोबाइल में, लेकिन टैक्स हटा नहीं, टैक्स बल्कि में एक मुश्ता लगा दिया गया, 47% बढ़ा दिया गया, 1% टैक्स और भी रख दिया गया, जो कि HRDF है वो हमारे ऊपर लागू रहेगा। ये मंडियों को खत्म करने का, किसानों को नुकसान पहुंचाने का, माशेखोरों रेड़ी वाले भाइयों को नुकसान पहुंचाने का, हमें राहत दी जाए। सरकार की तरफ से बार बार बातचीत में मिट्टी गोली देते
अब हमने अनिश्चितकालीन पूरे हरियाणा ने हड़ताल कर दी है, हरियाणा की सभी मंडियां बंद है। भिवानी सब्जी मंडी आढ़ती भाइयों की तरफ से मेरे को प्रधानता देने के नाते ये बताया गया, हमारे सभी आढ़तियों की मीटिंग हुई पूरे ऑल ओवर हरियाणा की, उन्होंने ये फैसला लिया गया कि सरकार ने हमारे ऊपर नाजायज टैक्स लगा दी और नाजायज टैक्स लगा दिया, वो टैक्स भी एडवांस में मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पिछले साल आपने इतना भरा था, वो टैक्स इस साल सालाना एडवांस भरो और 10% आगे बढ़ता चला जाएगा और 47% अब भी एडवांस मांग रहे हैं, जबकि हमारे पास माल नहीं होगा तो सरकार को फीस कहाँ से देंगे। इसलिए सारी मंडियों ने मिलकर ये फैसला किया है कि वे मंडियों की हड़ताल, ताकि सरकार को कम से कम पता चले अगर आपके पब्लिक खिलाफ है, पूरी पब्लिक खिलाफ है, आपको आगे दिक्कतें बहुत आएंगी, तो हमारी सरकार से हाथ जोड़ के प्रार्थना है ये टैक्स वापस ले। मैं मासाखोर एसोसिएशन प्रधान सब्जी मंडी भिवानी के, हम आढ़तियों के साथ हैं, आढ़तियों के नियम किसान के भी साथ हैं, किसान का भी नुकसान है, आम पब्लिक का नुकसान है जिससे ये टैक्स बढ़ा गया है। कृपा करके सरकार से गुजारिश है कि ये वापस ले और ठीक सुचारू रूप से इसको चलाए। सब्जी मंडी व्यापारियों पर जो ये नाजायज टैक्स लगाया है, इससे व्यापार में रुकावट आ रही है, इससे आम आदमी को भी नुकसान होगा, किसान को भी होगा, आढ़तियों को भी होगा। और जो एडवांस टैक्स लेने का जो प्रक्रिया, जो बढ़ोतरी की गई है, ये तो बिल्कुल ही नाजायज है और व्यापार को ठप करेगा। हरियाणा सरकार को बैठ करके बातचीत करके इन व्यापारियों को राहत देनी चाहिए, इनकी बात माननी चाहिए जो जायज है। इसमें हम CITU की तरफ से इनका समर्थन करते हैं। जो सरकार एडवांस टैक्स की बात करती है तो ये तो बहुत ही निंदनीय सरकारी कदम है। हम जो मजदूर यहाँ काम करता है उसकी भी दिहाड़ी खत्म हो रही है, किसान की भी खत्म हो रही है, आढ़ती भी खत्म हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के मसीहा पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देकर पूरे भारत के किसान व कमेरी वर्ग का सम्मान किया है। यह कहना था कृषि मंत्री JP दलाल का। वे शहर के चौधरी बंसीलाल पार्क के पास आयोजित प्रधानमंत्री मोदी के धन्यवाद समारोह में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भारत दुनिया की सबसे बड़ी तीसरी अर्थव्यवस्था होगा। प्रदेश के कृषि एवं पशुपालन मंत्री JP दलाल ने कहा कि किसानों के मसीहा पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह ने अपना जीवन किसानों व कमेरे वर्ग के हितों की रक्षा व उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में लगा दिया। उनको देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से नवाजना वास्तव में देश भर के उस किसान व कमेरे वर्ग का सम्मान है। यह सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सकारात्मक सोच की बदौलत संभव हुआ है। इसके साथ में हरित क्रांति में अहम योगदान देने वालों व किसानों को नई नई तकनीक व नई किस्में देने वाले कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर MS स्वामीनाथन व कृषि व कांग्रेस पार्टी शासनकाल के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में अपना अहम योगदान देने वाले उदारवादी विचारों के धनी पूर्व प्रधानमंत्री PV नरसिंह राव को भारत रत्न देना प्रधानमंत्री का सराहनीय कदम है। भाजपा के जिलाध्यक्ष मुकेश गौड़ ने कहा कि चौधरी चरण सिंह ने अपना पूरा जीवन किसान व कमेरा वर्ग के हित की रक्षा के लिए लगा दिया था। इस अवसर पर महम से भाजपा नेता शमशेर सिंह खरकड़ा ने कहा कि चौधरी चरण सिंह की एक नजर खेत में तो दूसरी नजर नई दिल्ली की लोकसभा पर रहती थी। वे सही मायने में धरती पुत्र थे। फैसले पर भरोसा है और हमें पता है कि आप लोगों ने फैसला कर रखा है कि आने वाले लोकसभा के चुनाव में बगैर किसी कैंडिडेट को देखे, बगैर किसी जाति धर्म इलाके को देखे, हमने एक ही लक्ष्य को पूरा करना है कि आने वाले 5 साल एक बार फिर नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाना है। चौधरी चरण सिंह जी के स्कूल के ही साथी, एक तरह से उसकी जो राजनीति के साथी कर्पूरी ठाकुर जी को, जो गरीबों के, पिछड़ों के, दलितों के, वो भी एक तरह के ऐसे वर्ग से आते थे जिन्होंने जीवन भर कमजोर तबके के लिए संघर्ष किया और अब 3 लोगों को फिर सम्मान दिया, चौधरी चरण सिंह जी को। दूसरे एक किसान के लिए संघर्ष करने वाले किसान के लिए जो वैज्ञानिक थे, जिन्होंने भारत के अंदर हरित क्रांति में बहुत बड़ा योगदान किया, डॉक्टर MS स्वामीनाथन जी का। और स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट को जो किसान हित में जो उन्होंने दी थी, भिवानी
जसपा के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन प्रदेश के श्रम एवं रोजगार मंत्री अनूप धानक द्वारा किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि लोकसभा और विधानसभा चुनावों में ज्यादा समय नहीं बचा है, इसलिए जननायक जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता संगठित होकर संगठन मजबूती पर पूरा ध्यान दे। उन्होंने कहा कि जसपा की चाबी प्रदेश के विकास के दरवाजे खोलने का काम कर रही है। प्रदेश के श्रम एवं रोजगार मंत्री अनूप धानक ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव को मद्देनजर वो मजबूती एवं सक्रियता से कार्य करने की आवश्यकता है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि पार्टी की नीतियों व जन कल्याणकारी कार्यों का ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार करें। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं की मेहनत से 10 सीट विधानसभा में मिली है। गठबंधन सरकार निरंतर हर वर्ग के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि चुनावी तैयारियों को लेकर जसपा के निरंतर जनसंपर्क अभियान जारी है। पार्टी की तरफ से आदेश है कि यहाँ भिवाणी के अंदर चौरी देवीलाल सदन में एक लोकसभा के जो भिवाणी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र है उसका विधिवत रूप से आज उसका कार्यालय का उद्घाटन हो, तो उसका आज उद्घाटन करने के लिए आए हैं। आगे की रणनीति हमारे नेता है सुप्रीमो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी और भाई भूषण चौटाला जी सरदार निशान सिंह, वो बैठ करके जो रणनीति बनाएंगे वो आगे आते हैं। अजय सिंह चौटाला जी ने घोषणा कर चुके हैं भिवाणी से, या तो वो लड़ेंगे या दिग्विजय चौटाला। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी पार्टी के सुप्रीमो हैं और हमने और सारी जो हमारे प्रदेश की जो पूरे राष्ट्रीय कार्यकारिणी वो बैठ के जो फैसला लेंगे। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने जो बात की वो सोचेंगे। नंदी बात करें गठबंधन की, माना जाए कि अलग अलग चुनाव लड़ा जा सकता है, ये पार्टी सुप्रीमो का फैसला है। दोनों आज के दिन भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी गठबंधन की सरकार है हरियाणा प्रदेश। आगे भी जो भारतीय जनता पार्टी के सुप्रीमो है या डॉक्टर हमारे जननायक जनता पार्टी के सुप्रीमो है, वो बैठ करके जो फैसला करेंगे उसी पर जो पार्टी के कार्यकर्ता सारे काम करेंगे। हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के हाथ से आज पार्टी के लोकसभा के कार्यालय का उद्घाटन है और उसके बाद हम संगठन के आदमी अनूप जी ये सरकार के आदमी संगठन के आदमियों का एक काम है कि हम पार्टी को कैसे मजबूत करें। तो हम तो संगठन में काम कर रहे हैं और लोकसभा के लिए चाहेंगे कि डॉक्टर साहब चुनाव लड़ें तो उसके हम तैयारियों में लगे हुए। किस प्रकार की ड्यूटियां लगाई गई हैं उनके चुनाव में कुछ? जेजेपी का आदमी तो बैरकों में तो कभी जाता ही नहीं, वो तो फील्ड में रहता है और हमारी तैयारियां तो कंटिन्यू रहती। और जो पार्टी का एक कंटिन्यू चलने वाला है भाई, सदस्यता है, आपके बूथ योद्धा हैं, बूथ सखी हैं, तो ये हमारी प्रक्रिया चलती रहती है। जननायक जनता पार्टी लोकसभा की 10 की 10 सीटों पे आज से नहीं बल्कि 6 महीने से हम पूरी तैयारियां कर रहे हैं। लोकसभा सत्र पे रैलियों का सिलसिला भी जारी है और 6 लोकसभा क्षेत्रों में हम रैलियां कर चुके हैं, 4 और लोकसभा क्षेत्रों में जल्द ही प्रस्तावित है। और दोनों ही पार्टियां अपने अपने सत्र पे लोकसभा की तैयारियां कर रहे हैं, चुनाव बेशक चाहे गठबंधन में हो लेकिन फिर भी दोनों संगठनों को मिलजुल के ही काम करना होता है। देश को पूर्ण रूप से विकसित बनाने के लिए हमें अपनी समृद्ध विरासत पर गर्व कर नागरिक होने का कर्तव्य निभाना है, यह कहना था विधायक घनश्याम सराफ का। विधायक कमला भवन के सामने वे जैन चौक में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। इस दौरान विधायक घनश्याम सराफ ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई स्टॉलों का अवलोकन किया और जरूरी निर्देश भी दिए। विधायक घनश्याम सराफ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि जब 2047 में देश की आजादी के 100 वर्ष पूरे हों तब हमारा देश पूर्ण रूप से विकसित हो जाए। इसी उद्देश्य को लेकर गांव और शहरों में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कमला भवन के सामने आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। इस दौरान विधायक सराफ ने यहाँ पर विभिन्न विभागों द्वारा लगाई स्टॉलों का अवलोकन किया तथा जरूरी निर्देश दिए। उन्होंने यहाँ पर मौजूद नागरिकों को विकसित भारत संकल्प यात्रा की शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि हमें भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करना है और गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकना है। अपनी समृद्ध विरासत पर गर्व है। वहीं इस मौके पर जैन चौक में पहुंची संकल्प यात्रा का स्वागत विधायक के साथ नगर परिषद चेयरपर्सन प्रतिनिधि भवानी प्रताप सिंह व जिला भाजपा के उप प्रधान हर्षदीप डुडेजा ने किया। इन नेताओं ने कहा कि संकल्प यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भारत को विकास के लिए एक गारंटी है। हमारी विकसित भारत संकल्प यात्रा जो है शहर के प्रत्येक वार्डों में
प्रत्येक क्षेत्र के अंदर प्रत्येक कोनों में इस यात्रा के अंतर्गत लोगों की जन सुनवाई हो रही है, उन्हें काम करवाए जा रहे हैं, जैसे चाहे पब्लिक हेल्थ का काम हो, चाहे बिजली विभाग का काम हो, किसी विभाग का काम हो, प्रत्येक विभाग से यहाँ अधिकृत अधिकारी उपस्थित हैं। और चाहे फैमिली आईडी का काम, आप देखेंगे कि भी सैकड़ों की संख्या में लोग अपनी समस्याओं को लेकर आ रहे हैं, उनका तुरंत निवारण भी हो रहा है। मैं मानता हूँ प्रधानमंत्री जी की बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है और इसके अंदर जन जन तक सुविधाएं हम घर घर तक कैसे पहुँचाए, इससे अच्छा किसी प्रकार की योजना नहीं हो सकती। और इसमें आम आदमी, जैसे कहते सरकार आपके द्वार, उसी पैटर्न पे चल रही है और इससे लोगों का बहुत सुविधाओं के साथ साथ फायदा भी हो रहा है। जैन चौकी जैन एरिया में हमारा संकल्प विकसित भारत यात्रा जो कि पहुंची है, आप देखेंगे जितनी भी भिवानी वासियों को समस्या थी, चाहे किसी की बुढ़ापा पेंशन है, विकलांग पेंशन है, गली की, सीवर की, आयुष्मान भारत की, कैसी भी कोई प्रॉब्लम थी, तुरंत निवारण किया जा रहा है। यहाँ बैठ के किसी को हेल्थ से लेकर कोई भी चेकअप कराना है, पूरी टीम आई हुई है हमारे बीच में। हमारे यहाँ के हमारे बड़े भाई साहब सुरेश पाल जी, पवन सिंह चौहान, हमारे प्रधान भवानी प्रताप जी, सभी यहाँ पे, महिला भी पहुंची हैं बढ़ चढ़ कर भाग लेने। देखिए ये प्रधानमंत्री द्वारा जो चलाई गई है संकल्प यात्रा, मुख्यमंत्री जी द्वारा, मनोहर लाल खट्टर जी द्वारा, आज जन जन तक ये आवाज उठी जा रही है कि एक ही पार्टी बीजेपी पार्टी जो कि जन जन की आवाज सुन रही है। नहीं तो इससे पहले कोई भी समस्या समाधान नहीं हुआ करता, लोग ऑफिस से चक्कर काटते थे, परेशान होते थे। आज किसी की फैमिली आईडी, आयुष्मान, प्रॉपर्टी आईडी, कोई भी समस्या है तो उसका तुरंत निवारण हाथों हाथ यहाँ बैठ के किया जा रहा है। प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी युवाओं के लिए अभिशाप ना बन जाए, इसके लिए युवा कांग्रेस ने रोजगार दो न्याय दो अभियान का आगाज किया है। युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धिराजा के निर्देशानुसार इस अभियान के तहत युवा कांग्रेस प्रदेश भर के प्रत्येक जिला मुख्यालय में पहुंचेगी और युवाओं को साथ लेकर बेरोजगारी के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए सरकार को चेताने का प्रयास करेगी। यह जानकारी युवा कांग्रेस के भिवानी विधानसभा अध्यक्ष राकेश शर्मा ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान दी। पत्रकारों को संबोधित करते हुए युवा कांग्रेस के भिवानी विधानसभा अध्यक्ष राकेश शर्मा ने कहा कि भाजपा जसपा गठबंधन सरकार प्रदेश के युवाओं के साथ निरंतर अन्याय कर रही है। भाजपा सरकार की युवा विरोधी वजन गलत नीतियों के चलते आज हरियाणा राज्य बेरोजगारी के मामले में देश भर में पहले पायदान पर आ चुकी है। ग्रुप सी व ग्रुप डी के परिणाम एक साथ घोषित ना करके सरकार द्वारा धांधली की गई है। 3 साल में केवल एक बार सीईटी परीक्षा से लाखों युवाओं को परीक्षा व रोजगार से वंचित रखकर सरकार ने उनके भविष्य पर प्रहार करने का काम किया है। HKRN के माध्यम से पक्की नौकरियों का रास्ता बंद किया गया है। हरियाणा प्रदेश में न सिर्फ शिक्षा व स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाएं भी बर्बाद हो रही हैं, बल्कि हजारों युवाओं को रोजगार से वंचित रखकर सरकार सरासर अन्याय कर रही है। सरकार की इसी युवा व रोजगार विरोधी नीतियों को आमजन के सामने लाने के लिए युवा कांग्रेस ने रोजगार दो न्याय दो अभियान चलाया है। आज का मुद्दा हमारा ये रहेगा कि जो भाजपा जसपा सरकार नौजवानों के साथ जो अन्याय कर रही है रोजगार के लिए और जो ये रिजल्ट निकाल रहे उसमें जो धांधली कर रही है, उसके विषय में लोगों जनता तक अपनी बात पहुंचाने के लिए आज ये हम कर रहे हैं। इसमें हमारे कई चीजें हैं जो मैं आपसे डिस्कशन करना चाहता हूं और आपको बताना चाहता हूं प्रेस को। जो रोजगार में सीईटी ग्रुप सी में 32,000 और ग्रुप डी में 13,500 भर्तियां जो कि 2021 से लंबित रखकर सरकार बीजेपी और जेजेपी की नौजवानों के साथ अन्याय कर रही है और ग्रुप सी से पहले ग्रुप डी की भर्ती को पूरी करने में जो अनियमितता की नीति इन्हें गलत नीति जो उपयोग कर रही है उसके साथ भी नौजवानों के साथ अन्याय हो रहा है। ग्रुप सी में 63 सब ग्रुपों का नतीजा एक साथ घोषित ना करके ये भी नौजवानों के साथ सरकार अन्याय करने का काम कर रही है। एक सरकार अपनी अग्निपथ योजना लेके आई है, अग्निवीर जिसे हम बोल रहे हैं, पहले आप देखते थे स्टेडियम में, सड़कों पर, अपने गांव में, हम सब ग्रामीण से आते हैं, बहुत सारे नौजवान साथी प्रैक्टिस करा करते, अपनी तैयारी करा करते सेना की, उनके भी उनके साथ भी खिलवाड़ करने का काम किया है। सरकार ने प्रत्येक वर्ष 2 बार सीईटी लेने का वादा किया था, पिछले 3 साल से सिर्फ 1 बार सीईटी लेके नौजवानों को भर्तियों से लंबित रखने का, उनसे वंचित रखने का इन्होंने काम किया है। 3 साल में लगभग 1 बार ही इन्होंने सीईटी लेने का काम किया है। फिर सरकारी स्कूलों में आज हमारे टीजीटी और पीजीटी के लिए लगभग 28,000 पद जो खाली हैं, ये किन के साथ अन्याय हो रहा है? ये नौजवानों के साथ अन्याय हो रहा है जो हर साल एचटेट की तैयारी करते हैं, हर साल लाखों रुपए, हजारों साथी, युवा साथी एचटेट देते हैं और उनसे जो लाखों
पैसे सरकार अपना गबन करने का अंदर करने का काम करती है, उनकी भी कोई भर्ती 28,000 पद खाली है, कोई भर्ती नहीं करी है। 12 वर्ष के बच्चे राघव का अर्टिगा मारुति गाड़ी में सवार अज्ञात बदमाशों ने अपहरण कर लिया। सूचना मिलते ही पुलिस अपहरणकर्ता की तलाश में जुट गई, लेकिन बच्चे का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। वहीं दूसरी तरफ शनिवार को तुषाम के व्यापारियों ने घटना के विरोध में तुषाम बाजार को पूरी तरह बंद रखा। पुलिस का कहना है कि बच्चे को शीघ्र खोज लिया जाएगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार 12 वर्षीय छात्र राघव कराटे एकेडमी से खेलकर घर वापस लौट रहा था, तभी एक आर्टिगा गाड़ी में सवार कुछ लोगों ने उसे तोशाम के जनस्वास्थ्य विभाग कार्यालय के आसपास जबरन गाड़ी में उठा लिया और उसे हांसी की तरफ ले गए। जब पुलिस को सूचना प्राप्त हुई तो पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए टीमें गठित कर अपहरणकर्ताओं की तलाश शुरू कर दी और पूरी रात सर्च अभियान चलता रहा, परंतु अभी तक बच्चे का कोई सुराग नहीं लग पाया है। तोशाम के व्यापारियों ने घटना के विरोध में तोशाम बाजार को पूरी तरह से बंद रखा। इस संबंध में तोशाम व्यापार मंडल के प्रधान जोगिंदर मलिक ने पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाया कि अभी तक पुलिस प्रशासन केवल छापामारी कर रहा है, किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाया है। काफी समय बीतने के बावजूद भी बच्चे का पता नहीं लग पाया है। उन्होंने बताया कि इसी वजह से तोशाम के व्यापारियों को बाजार बंद करना पड़ा है। वहीं हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग व कांग्रेस के ब्लॉक प्रधान हरि सिंह सांगवान व भाजपा नेता अनिल शर्मा ने घटना की घोर निंदा की है। तोशाम थाना प्रभारी शिव कुमार का कहना है कि पुलिस पूरे प्रयास कर रही है कि अपहरणकर्ताओं को जल्द से जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाए। व्यापारी का बच्चा किडनैप हुआ है, पूरे हरियाणा में रोष है और पूरा तोशाम मुट्ठी बंद बंद है और लगातार पुलिस के अधिकारी जितने भी है, पुलिस अधीक्षक है, ऊपर हाईकमान से सबसे बात चल रही है, मगर अभी तक बच्चे का कुछ भी पता नहीं लगा है। और यहाँ तक कि व्यापारी अपनी जान माल की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से मतलब भयभीत है, यहाँ तक कि हर रोज हरियाणा में लूटपाट, फिरौती, हत्या की वारदातें हो रही है। सापला में 2 दिन पहले 1 करोड़ की सीताराम हलवाई के फिरौती मांगी गई, 2 करोड़ की आपने देखा गुआणा में फिरौती मांगी गई, हिसार में 50 लाख की फिरौती, 20 लाख की फिरौती हिसार के अंदर, जगह जगह लूटपाट है, हत्या है, व्यापारियों के साथ जाति हो रही है। खुद घटना है जिससे पूरा क्षेत्र जो है आक्रोशित भी है और भयभीत भी है। आक्रोशित इसलिए है कि ऐसी घटना होनी ही नहीं चाहिए थी और भयभीत इसलिए है कि आज मनोज भाई का बच्चा उठाया, कल दूसरे का, परसों तीसरे का, तो अपराधियों के हौसले बुलंद हो गए। व्यापारी मनोज है, उसके लड़के का कल शाम को लगभग 7 बजे अपहरण कर दिया गया था, लेकिन अब तक पुलिस ने कोई बरामदगी नहीं सुनी है कि भाई वो लड़का, पुलिस बोल रही है कि भाई हम पीछे लगे हुए हैं लेकिन कोई रिजल्ट नहीं है। ये मैं तो ये कहता हूँ कि ये हमारा तुषाम प्रशासन का और भिवानी प्रशासन का फेलियर है। हमने जैसे कल सूचना मिलने के बाद ही हमने तीनों CIA, DSP शिवानी, SP साहब खुद भी आए थे और साइबर टीम, मतलब कल के हम फिजिकली भी टेक्निकली भी लगातार सारे उसमें फील्ड में घूम रहे हैं और हर संभव प्रयास कर रहे हैं। जहाँ भी कोई कड़ी जुड़ेगी जल्दी इसका रिजल्ट लेंगे, बच्चे को लेके वापस करेंगे, तो पूरा प्रयास कर रहे हैं हम। और हमने व्यापार मंडल की जो पंचायत है उसके अंदर भी ये कहा है भाई, हम अपना बच्चा समझ गए पूरी तरीके से, मतलब ये इस पे काम कर रहे हैं। क्या नाम है बच्चे का और क्या है? राघव है, मनोज का लड़का है, उम्र 12 साल है, कराटे सेंटर से कराटे सीख के आता था ये साइकिल पे, तो करीब 7:45 या 6:40 बताएंगे। अभी खबर चलते चलते, किसान संगठनों की 13 फरवरी को दिल्ली कूच को लेकर पुलिस ने आम लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की है। पुलिस ने अपील की है कि हरियाणा से पंजाब की ओर जाने वाले मार्ग का उपयोग अति आवश्यक स्थिति में ही किया जाए। ADG ममता सिंह ने कहा है कि ट्रैफिक की स्थिति जानने के लिए सोशल मीडिया पर पुलिस साइट को फॉलो करें, असहज की स्थिति में 112 नंबर पर संपर्क करें। दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पर वाहनों का रूट बदला गया है, कानून व्यवस्था को बाधित करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक बार फिर आज की न्यूज हेडलाइंस। मार्केट फीस हटाने की मांग को लेकर सब्जी मंडी के व्यापारियों ने की हड़ताल। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने पर भिवानी भाजपा ने PM मोदी का जताया आभार। लोकसभा चुनाव के लिए जजपा ने कसी कमर।
विधायक घनश्याम सर्राफ ने नागरिकों को दिलाई विकसित भारत संकल्प यात्रा की शपथ। रोजगार दो न्याय दो अभियान के माध्यम से युवा कांग्रेस पहुंचेगी प्रत्येक युवा तक। तोशाम से अपहरण किए गए बच्चे का नहीं मिला सुराग, विरोध स्वरूप बाजार बंद। सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। मुझे और भिवानी हलचल की टीम को दीजिए इजाजत और बने रहिए आपके अपने चैनल भिवानी हलचल के साथ।